नमस्कार, मैं दीप्ति आर्या स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे केरला की एक प्रसिद्ध त्यौहार ओणम के बारे में। ओणम या ओनम को तिरु ओणम या तिरु ओणम भी कहा जाता है। यह उत्सव चिंगम, सिंघम या सिंहम मास यानी अक्टूबर और सितंबर में भगवान वामन की जयंती और दैत्य राजा बलि के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो कि 10 दिन तक चलता है। ये त्यौहार केरला में फसल कटने पर मनाया जाता है, जो कि संपन्नता, न्याय और समृद्धि का प्रतीक है। हिंदू किंवदंती के अनुसार त्रेता युग के प्रारंभ में भगवान विष्णु ने वामन रूप लिया। इसके साथ ही यह भगवान विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे, यानी बालक रूपी ब्राह्मण के रूप में। दक्षिण भारत में इनको इनके मूल नाम उपेंद्र से जाना जाता है। इनके पिता प्रजापति कश्यप थे और माता अदिति थी। ओणम विष्णु भगवान के पांचवें अवतार यानी वामन अवतार और महादानी राजा बलि का स्मरण कराता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ओणम केरल में दैत्य राजा महाबली के शासन के तहत सुशासन की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने कभी केरल पर शासन किया था। कहा जाता है कि महाबली की लोकप्रियता और उनकी शक्ति से ईर्ष्या करते हुए देवताओं ने उनके शासन को समाप्त करने की साजिश रची। भगवान इंद्र भयभीत थे कि कहीं राजा बलि स्वर्ग लोक में भी आधिपत्य न जमा लें, इसलिए सब देवगण माता अदिति के साथ भगवान विष्णु के पास गए और उनसे अपनी समस्या का समाधान मांगा। तब भगवान विष्णु वामन का रूप लेकर धरती में अवतरित हुए। राजा बलि हर साल अपनी प्रजा को फसल कटाई पर उपहार दिया करते थे। भगवान विष्णु भी वामन रूप में वहां पर पहुंच गए। तब महाबली ने उनकी इच्छा के अनुसार उनको 3 पग जमीन दी। चूंकि ब्राह्मण को उपहार देने से इनकार करना अपवित्र माना जाता था, इसलिए महाबली वामन की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हो गए। जबकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने महाबली को मना किया, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये कोई देव ही हैं जो वामन रूप लेकर आए हैं। लेकिन महादानी महाबली ने उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए वचन दे दिया। तब वामन अपने विशाल रूप में आ गए और पहले 2 चरणों में वामन ने पृथ्वी और आकाश माप लिया। राजा बलि भी समझ गए कि जरूर ये कोई देवता है। तब महाबली ने उनसे पूछा कि हे देव, आप कौन हैं? तब विष्णु भगवान ने उनको अपना असली रूप दिखाया और बलि ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उनका पैर 3रा पग के लिए अपने सर पे रख दिया। महाबली की इस उदारता से खुश होकर भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया कि वो हर साल अपनी भूमि और अपने लोगों से आकर मिल सकते हैं। महाबली की इस घर वापसी को ही हर साल केरल में ओणम के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि केरल के लोग ओणम को कैसे मनाते हैं। ये उत्सव चित्रकाकरा, जो कि कोची के पास है, केरल के एकमात्र वामन मंदिर से प्रारंभ होता है। ओणम में प्रत्येक घर के आंगन में फूलों की पंखुड़ियों से सुंदर सुंदर रंगोलियां, जिनको लोकल लैंग्वेज में पूकलम कहते हैं, बनाई जाती हैं। युवतियां उन रंगोलियों के चारों ओर गोल घेरा बनाकर उल्लास पूर्वक नृत्य करती हैं। इस नृत्य को तिरुवाथिया कली कहते हैं। इस पूकलम का प्रारंभिक स्वरूप यानी अथम के दिन छोटा होता है, परंतु नित्य इसमें एक और घेरा फूलों का बढ़ा दिया जाता है। ऐसे बढ़ते बढ़ते 10वें दिन, जिसको तिरुओणम कहते हैं, यह पूकलम यानी रंगोली एक बड़ा आकार धारण कर लेती है। इस पूकलम के बीच तिरक्का करप्पन, जो कि वामन अवतार में विष्णु भगवान को कहते हैं, राजा बलि और उनके अंग रक्षकों की प्रतिष्ठा होती है, जो कि कच्ची मिट्टी से बनाई जाती है। ओणम में नौका दौड़ जैसे खेलों का भी आयोजन किया जाता है। ये एक संपूर्णता से भरा हुआ त्यौहार है, जो सभी के घरों को खुशियों से भर देता है। ओणम के भव्य कार्निवाल में केरल का सर्वश्रेष्ठ नृत्य देखा जा सकता है, जैसे कि कुमट्टी काली, पुलिकली, कडवा कली और कथक कली इत्यादि। ओणम के सबसे आखिरी दिन यानी तिरुओणम को इस दिन ओना साड्या या ओणम संध्या में शाकाहारी भोजन परोसा जाता है, जिसमें करीब 25 से 30 प्रकार के व्यंजन केले के पत्ते में परोसे जाते हैं। ये अत्यंत स्वादिष्ट और मन को भाने वाले होते हैं। ओणम में कई तरीके की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जैसे कि रंगोली प्रतियोगिता, पुक्कलम, वलमकली, नाव दौड़, टाइगर डांस, जिसको पुलिकली या कुमट्टी काली भी कहते हैं, इत्यादि का आयोजन किया जाता है। सच में यह देखना कितना रोमांचकारी है ना, कि हमारे देश भारत की केरल राज्य की लोक संस्कृति कितनी समृद्ध है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर कुछ आप और ऐड करना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। जो भी केरला से हो,
प्लीज़ अपना व्यू दें और बताएं कि मैंने क्या मिस किया है और आप भी क्या केरला गए हैं ओणम में, ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।